बस ये एक सरल अभ्यास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे, मेरा विश्वास कीजिए। अगर आप उस स्थिति में सोते हैं तो आप बहुत अधिक समझदारी के साथ, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ जागेंगे। आम तौर पर भारत में कहा जाता है कि आपको अपना सिर उत्तर की ओर करके नहीं सोना चाहिए। क्या आप ये जानते हैं? अगर आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं और जब रात में आप लेटे हुए या क्षितिज स्थिति में होते हैं तो खून धीरे धीरे आपके दिमाग की ओर बहने लगेगा। When there is too much circulation in the brain, you cannot sleep peacefully. जब दिमाग में खून का बहुत ज्यादा प्रवाह होता है तो आप शांति से सो नहीं सकते। अगर आप में स्वाभाविक रूप से दिमाग की कमजोरी है या अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपकी नींद में मृत्यु हो सकती है। तो दिमाग की नस फट सकती है क्योंकि दिमाग में ज्यादा खून घुसने की कोशिश कर रहा है और वहां नसें बालों की तरह पतली होती हैं। चुंबकीय खिंचाव के कारण उनमें ज्यादा खून बह रहा है। जब आप सीधे बैठे या खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं होता। जिस पल आप लेटते हैं सिर पर यह खिंचाव इतना मजबूत होता है कि धीरे धीरे खून दिमाग की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, तो इससे बचना जरूरी है। ऐसा सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आपको अपना सिर दक्षिण की ओर नहीं रखना चाहिए। भारत में आपको अपना सिर उत्तर की ओर नहीं रखना चाहिए। आप इसे दूसरी किसी भी दिशा में रख सकते हैं, ये ठीक है। इसे हमेशा याद रखें कि आप वाकई नश्वर हैं। सिर्फ शब्दों में नहीं, वाकई आप अभी मर सकते हैं। आप युवा हों या बूढ़े हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी मर सकते हैं। हाँ या ना? बिस्तर पर लेटने से पहले अपने बिस्तर पर बैठें और सोचें कि अभी और यहीं आपकी मृत्यु होगी। आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक मिनट है। बस पीछे मुड़कर देखें कि आज आपने जो किया है क्या वो सार्थक था। बस ये एक सरल अभ्यास करें और आप वाकई नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी। मृत्यु बिस्तर पर होगी या अस्पताल में लेटे हुए होंगे जब हर तरह की चीजें आपसे जुड़ी होंगी। कौन जानता है कि ये कैसे होगी, पर रोज इस बात का आनंद लें कि आप अपनी मृत्यु शैया पर बैठे हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि आज जिस तरह से मैंने 24 घंटे जिए हैं क्या वो सार्थक था, क्योंकि अब मैं मर रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे, मेरा विश्वास कीजिए। तो रोज रात में आपको बिस्तर पर लेटने से पहले ये करना चाहिए। अंतिम 3 मिनट जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया है, शरीर, मन की चीजें, छोटी चीजों को अनदेखा ना करें। ये छोटी चीजें बड़ी चीजें होती हैं। मैंने देखा है कि कैसे लोग अपने तकिए को भी साथ रखते हैं, क्योंकि तकिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका तकिया, आपके जूते, अगर आपके रिश्ते हैं तो रिश्ते, जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया है उसे एक तरफ रखकर सोएं। अगर आप उस स्थिति में सोते हैं तो आप बहुत अधिक समझदारी के साथ, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ, जितनी आपने सोची होंगी उससे कहीं अधिक संभावनाओं के साथ जागेंगे। बस जीवन के रूप में सोएं, एक पुरुष के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में नहीं, इसके या उसके रूप में नहीं, सब कुछ अलग कर दीजिए। यह बहुत आसान हो रहा है, बस सोने की साधना। कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए।